हम सब अपने फ़ोन को दिन में 3 से 4 बार चार्ज करते हैं, और ये बात हमें खुद ही पता होती है। हमारा खुद ही ध्यान जाता रहता है कि हमारे फ़ोन में कितनी चार्जिंग है। तो मैं आप सबसे ये बात पूछूंगी कि हाउ टू चार्ज योर सेल्फ, आप अपने आप को चार्ज कैसे करते हो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, पार्क जाते हैं। चलो ये सारी बातें तो अपनी बॉडी का वजन कम करने के लिए हो गई। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने मन का वजन कम करने के लिए क्या करते हैं? करते हैं? कोई ऐसी हैबिट है आपके रूटीन में इंक्लूड कि आप अपना मन का वजन कम करने के लिए ये करते हैं? मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, अब तक नहीं सोचा, पर अब सोचना है। ऐसे 2-3 तरीके हैं जिन्हें हम अपने रूटीन में ला सकते हैं, और उनसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए भी मिल सकता है। इसमें सबसे पहले कि आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ही ऐसे करो कि हमारे फैमिली में, हमारे घर में बहुत ऐसे लोग होते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसे हमें हमेशा देखना पसंद होता है और उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप मॉर्निंग में सबसे पहले उनका ही फेस देखो कि तब आपको लगेगा कि चलो मॉर्निंग तो अच्छी हो गई है, पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। दूसरा तरीका आप अपने आप को चार्ज करने के लिए कि आपने अपने आप को कैसे ग्रुप का पार्ट बना रखा है, कि आपके ग्रुप के लोग कैसे हैं। हमेशा ऐसे ग्रुप का पार्ट बने रहना है हमको कि जहाँ पर लोगों के बारे में बात नहीं हो, जहाँ पे हमेशा प्रोग्रेस के बारे में, न्यू न्यू आइडियाज के बारे में बात हो। क्योंकि ऐसा प्रफुल्ल बिल्लौर ने भी अपने बहुत सारे टॉक्स में कहा है कि हमें हमेशा ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना है जिस ग्रुप में हमसे बड़े लोग हों। अब वो बड़े एज में भी होने चाहिए और एक्सपीरियंस में भी होने चाहिए, क्योंकि हमें उनसे हमेशा सीखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ना अपने आप को चार्ज करने का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सब जानते हो कि टेक्नोलॉजी ने हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाले हैं, नो डाउट। और ऐसे चीज़ के लिए ना आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, और मैं तो सच में हूँ सेल्फिश, कि सोशल मीडिया पर ना बहुत ऐसी नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव ओरियोज अवेलेबल हैं जो हमारे मन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं, और ये ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। आप तब ये वीडियोस देख रहे होते हो या ओरियो सुन रहे होते हो तब आपको पता नहीं चलता है, पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो आप ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करो, क्योंकि आपको तो अपने आप को चार्ज करना है ना, अपने मन को चार्ज करना है, जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपनी खाने की डाइट का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन को क्या डाइट दे रहे हैं।